तो तुम्हारे स्कूल का पहला दिन कैसा रहा शाइनी साशा? बहुत अच्छा रहा दादाजी, हमने बहुत कुछ सीखा। तुम्हारे नए टीचर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं दादाजी, उन्होंने सबसे पूछा कि हम छुट्टियों में कहाँ गए थे। तो तुमने क्या कहा शाइनी? दादाजी, इसने झूठ कहा कि ये पेरिस गया था। ओ, पेरिस? तुमने झूठ क्यों बोला शाइनी? दादाजी सभी अच्छी अच्छी जगह घूमने गए थे तो मुझे कहना पड़ा कि। तुमने झूठ बोला, ये अच्छी बात नहीं है शाइनी। चलो अब उदास मत हो, मैं तुम्हें बकबक नाम के तोते की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम था बकबक। बकबक को बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने की बुरी आदत थी। पता है तुम्हें आज मैंने क्या खाया? सच में बहुत बढ़िया दावत थी, बहुत सारी मिठाइयाँ और फल और बहुत सारा खाना, बहुत बड़ी पार्टी थी वो। सच में? कहाँ पर? वो अमीर आदमी के घर पर, मैंने बताया था ना, वो बहुत अच्छा है, मुझे महंगे तोहफे देता है। इतना मत फेंको बकबक, इस चिड़िया को बेवकूफ मत बनाओ। मैंने तुम्हें सुबह ही सूखी मिर्ची खाते हुए देखा था, तुम इसी पेड़ पर बैठकर खा रहे थे। पता है तुम्हें मेरे पास तुम जैसों के लिए वक्त नहीं है, मुझे एक और दावत के लिए जाना है, चलता हूँ। हाँ, उसकी बात मत सुनो, वो झूठा है। पर बकबक ने खुद को नहीं बदला, वो ऐसे ही डींगे मारता रहा। पता है मैं एक बार ईगल से भी ऊंचा उड़ा था, शेर मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहता था पर मैंने मना कर दिया। मेरे पास बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, मैं ये पूरा जंगल खरीद सकता हूँ। कोयल ने एक बार मुझे कहा कि मैं उससे बेहतर गाता हूँ। एक दिन एक कबूतर उस तरफ आया। ओह, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, कौन हो तुम? शुक्रिया, मैं कबूतर हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। ओह कौवे भैया, कोयल देखो हमारे यहाँ कौन आया है, कितना सुंदर मेहमान है ना? कितना प्यारा पक्षी है, कितना सुंदर दिखता है, शाही पक्षी लगता है। ये कौन है? ओह तुम बकबक हो ना? हाँ मैं ही हूँ, तो तुमने मेरे बारे में सुना है? हाँ दरअसल, देखा तुम सभी ने मेरा कितना नाम है, बल्कि बाहर वालों ने भी मेरे बारे में सुना है। कबूतर, जानते हो मैं बहुत सारे देश घूम चुका हूँ। हाँ पर मुझे एक बार ब्यूटी प्राइज भी मिला था। अच्छी बात है, पर मेरी बात तो, मैं बहुत ही अमीर पक्षी हूँ मालूम है, इस जंगल में सबसे अमीर। तुम सुनो तो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ये सही नहीं है, इसके पास पहले से ही सब कुछ है। ओ ये क्या कहना चाहते हैं? यही मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं शाही नौकर हूँ, शेर राजा चाहते हैं कि तुम उनके महल में आकर रहो, महल का खाना, महल में रहना, सब कुछ मिलेगा, पर लगता है अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। पर मेरे पास कुछ नहीं है। अब जाने भी दो, मैं अब चलता हूँ। ऐसा ही होता है जब डींगे मारते हैं। तो देखा बच्चों, झूठ मत बोलो, क्या पता कोई कहीं पर भी सुन रहा हो। मैंने अपना सबक सीख लिया दादाजी। तो चलो अब देखते हैं कि अगली छुट्टियों में हम पेरिस जा सकते हैं कि नहीं।